हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स 15, 16 और 7 जुलाई के स्पेशल सिलेक्टेड 30 एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के सामने। और एक नई चीज जो इन्फो टीचिंग में इस सीरीज में यानी कि करंट अफेयर्स की सीरीज में जो एड हो गई है कि अब आपको करंट डे के अफेयर्स भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डे बाय डे हम एक एक दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 15 जुलाई के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा 15 जुलाई 2018 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षा दिवस, अध्यापक दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा विश्व युवा कौशल दिवस, यानी कि थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। 15 जुलाई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भर में पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। यह जीवन तथा कार्यों में युवा कौशल के महत्व के एजेंट के साथ मनाया गया है। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ है, ये तो बहुत अच्छी पहल है ये हमारे सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में कौन सा शहर एचआईवी मरीजों के मामले में आठवां शहर बन गया है? तो ये बन गया है हमारा दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा तो नहीं कहेंगे, आठवें नंबर का शहर बन गया है एचआईवी मरीजों के मामले में। भारत की राजधानी दिल्ली के अकॉर्डिंग जो एचआईवी मरीज है उनकी जो लगातार संख्या है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और आठवें नंबर पर आ गया है और सबसे घातक बीमारी मानी जाती है इसे। सरकार ने कभी कई इसके अंदर अभियान भी चलाए हैं इस बीमारी को रोकने के लिए। सो देखते हैं क्या होता है इससे रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो कौन से खिलाड़ी ने जीता है, महिला खिलाड़ी है ये है हमारी एंजेलिक कर्बर। एंजेलिक कर्बर विश्व की नंबर 10 जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने महिला एकल वर्ग के फाइनल में अमेरिका की सेरेना विलियम्स को सीधे सेटों में हराकर 24वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो सही आंसर है हमारा थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक के अधिकारी 6 दिन की हड़ताल पर जा सकते हैं? तो ये हैं हमारे आईडीबीआई बैंक के अधिकारी सोमवार से 6 दिन की हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए शायद ये कंटिन्यू किया है। और देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या आगे जो न्यूज आती है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमा दास को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है? तो ये किया है हमें आसाम। भारतीय एथलीट हिमा दास को ओलंपिक की बेहतरीन तैयारी के लिए आसाम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर खेल बनाने का ऐलान किया है, क्योंकि हिमा दास ने फिनलैंड में महिलाओं की 400 मीटर फाइनल रेस में गोल्ड मेडल जीता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर वायु प्रदूषण से मौतों के मामले में दुनिया का तीसरा शहर बन गया है? तो ये बन गया है हमारा दिल्ली। वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पर दे रखा है वैसे। और भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के शोधकर्ताओं के अध्ययन ने कहा है कि भारत का दिल्ली सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेड है और थर्ड नंबर पर आ गया ये। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से 2016 में करीब 15,000 लोगों की मौत हुई थी, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICWA के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे TCA राघवन। श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा TCA राघवन को महानिदेशक परिषद के पूर्व पदाधिकारी सदस्य सचिव ICWA के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने खुद के दम पर अमीर बनने वाली अमेरिकी महिलाओं की सूची जारी की है? तो ये किए हमारे फोर्ब्स ने। अमेरिका की कंपनी है फोर्ब्स जिसने खुद के दम पर अमीर बनने वाली अमेरिकी महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें 2 महिलाएं जयश्री उल्लाल और नीरजा सेठी को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने आदेश जारी किया है कि अब शादियों पर होने वाला खर्च का हिसाब किताब भी देना होगा? तो ये किया है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान कर दिया है कि
अब जो भी शादियों में खर्चा होगा उसका हिसाब किताब देना अनिवार्य हो गया है, ताकि फालतू खर्चे ना हो और फालतू खर्चों के साथ साथ जो मतलब कि लड़की है यानी कि जो वधु होगी उसके बैंक में कुछ हिस्सा डिपॉजिट किया जाएगा उस शादी के हिसाब किताब के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, और ये 15 जुलाई का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ब्रिटेन दौरे पर हैं? अमेरिका, भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो ये हैं हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रिटेन के दौरे पर हैं और इनका नाम है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और देखते हैं आगे इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये हमारे 15 जुलाई के क्वेश्चंस थे, अब चलते हैं हम 16 जुलाई पर। 16 जुलाई का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत इनमें से किस देश से पीछे है? पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार या तीनों देशों से? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा तीनों देशों से। इंटरनेट स्पीड के मामले में हमारा देश भारत, पड़ोसी देश पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका से पीछे है। पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका से इंटरनेट स्पीड भारत की इंटरनेट स्पीड से 2 गुनी तेज है। तो ये थोड़ा सा, और यहाँ पर मतलब कि पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में कभी भी बफरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो काफी अच्छी बात है ये। देखते हैं हमारे देश में ऐसा कब तक हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किस वर्ष में सड़क के गड्ढों से 3,597 लोगों की मौत हो गई है? तो मीडिया एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आया है 2017 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन, मीडिया के द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 में 3,597 लोगों की सड़क गड्ढों के अकॉर्डिंग मौत हो गई है। औसतन 10 लोगों की जाने गई हैं, औसतन मतलब डेली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 लोगों की डेली जान गई है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और व्यापार घाटा 43 महीने के उच्चतम स्तर पर गया है? तो ये गया है हमारा भारत। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार के अकॉर्डिंग जो व्यापार घाटा है वो 43 महीने के उच्चतम स्तर पर चला गया है। गिरावट के बावजूद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार कुछ से कुछ घटकर मतलब सामने आया है, तो इसका रेशियो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कितना रेशियो निकलता है, तो ये इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीता है? तो ये जीता है फ्रांस। लगभग वर्ष 1998 के बाद दूसरी बार फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2018 अपने नाम किया है, तो बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना है? एशिया प्रशांत क्षेत्र का, तो ये है हमारा भारत। भारत देश को जुलाई 2018 से जून 2020 दो वर्ष के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो इससे रिलेटेड देखते हैं कि क्या क्या आगे न्यूज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां फुटबॉल विश्व कप जीतने पर फ्रांस को कितने करोड़ रुपए मिले हैं? तो इनको मिले हैं, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, 260 करोड़ रुपए। फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीतने पर 260 करोड़ रुपए इनामी राशि मिली है और क्रिकेट वर्ल्ड कप से 10 गुना ज्यादा रकम है, ये चीज भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने, लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देश में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 का शुभारंभ किया है, जिसमें 1 अगस्त से 31 अगस्त 2018 तक देश के सभी जिलों में एक एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा और फिर उनकी रैंकिंग निकाली जाएगी स्वच्छ सर्वेक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में इनमें से किस टीम के कप्तान को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है? तो ये मिला है इंग्लैंड के। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में इंग्लैंड की टीम के कप्तान, इंग्लैंड की टीम को सर्वाधिक 6 गोल करने के लिए गोल्डन बूट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर है हमारा फर्स्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर तीसरे नंबर पर रही? तो अर्जेंटीना, बेल्जियम, क्रोएशिया या फ्रांस? तो ये है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम टीम ने फीफा विश्व कप 2018 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और तीसरा स्थान हासिल किया है इन्होंने, लेकिन फीफा विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाई है, तो ये चीज भी थोड़ा सा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप में क्या होता है। ये हमारा 16 जुलाई का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खिलाड़ी ने 13वां ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2018 का खिताब जीता है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, केविन एडरसन या लियांडर पेस? तो ये है हमारी नोवाक जोकोविच। सर्बिया देश के टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 13वां ग्रैंड स्लैम जीता है। और देखते हैं इससे रिलेटेड और आगे क्या न्यूज आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि 16 जुलाई में अच्छे क्वेश्चन आए हैं जो हमारे फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, और फीफा से रिलेटेड आपको 4 या 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। सो अब चलते हैं 17 जुलाई की ओर। 17 जुलाई का पहला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के मुताबिक कौन आधुनिक इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति है? तो ये है हमारे जेफ बेजोस, यानी कि C1 इज द करेक्ट आंसर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ऑनलाइन रिटेल कंपनी Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस आधुनिक इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसकी कुल संपत्ति $150 अरब है। और आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनेगा। बिल गेट्स से अभी मतलब कि $55 अरब अधिक है बिल गेट्स से, तो ये कंपैरिजन भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक नोटबंदी के दौरान ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों से भुगतान वापस लेगा? तो ये है हमारा SBI बैंक। देश के सबसे बड़े बैंक SBI के प्रबंधन ने कहा, यानी कि MD ने कहा है कि नोटबंदी के दौरान ओवरटाइम करने वाले 70,000 कर्मचारियों से भुगतान वापस लेंगे, ताकि कुछ मतलब कि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके इससे रिलेटेड। तो सही आंसर है हमारा फर्स्ट वन, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, LIC बोर्ड ने IDBI बैंक में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये दी है 51%। देश की सरकारी बीमा कंपनी LIC ने बोर्ड ने IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। और देखते हैं इससे रिलेटेड आगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? संगीत कलानिधि पुरस्कार से तो ये किया जाएगा अरुणा साईराम को। वर्ष 2008 में अकादमी की कार्यकारी समिति ने गायिका अरुणा साईराम को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। अरुणा कर्नाटक गायन शैली की मशहूर गायिका है, कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में खराब मौसम से भी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है हमारा ओडिशा। 16 जुलाई को ओडिशा राज्य में खराब मौसम के होने के बावजूद भी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है, और सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सुबह 10:18 पे किया गया था। तो ये भी चीज टाइम, अगर वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टाइम से रिलेटेड हो, बट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए समिति गठन किया है या समिति का गठन किया है? तो ये किया है हमारा केंद्र सरकार ने। 16 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव CK मिश्रा करेंगे, CK मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में पौधाधिकारी अभियान शुरू किया गया है? पौधाधिकारी, तो ये अभियान शुरू किया गया है हरियाणा में। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पौधाधिकारी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है? इनमें से किस राज्यसभा के 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो ये है हमारे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ने किया है।
चार सदस्यों को मनोनीत। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिन्होंने राज्यसभा के लिए चार सदस्यों को मनोनीत किया है, और उनके नाम है जैसे राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह, रघुनाथ महापात्र और राम सकल सिंह। इन चारों का नामांकन किया है राज्यसभा में, 8 नामांकित थे। तो देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या आगे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जुलाई को व्लादिमीर पुतिन और किसके बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक आयोजित की गई थी? तो नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, सिंजो अबे या अब्दुल हामिद। तो ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 16 जुलाई 2018 को ये हुआ था, और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के यानी कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हेलसिंकी में ऐतिहासिक शिखर बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 इनमें से किस टीम के कप्तान को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इंग्लैंड, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, जिसने 6 गोल करने के लिए, 6 गोल सबसे ज्यादा गोल करने के अकॉर्डिंग इनको ये अवार्ड दिया गया है, 6 गोल करने के लिए गोल्डन बूट अवार्ड, तो इंग्लैंड को। तो ये थे हमारे सामने 30 क्वेश्चंस जो 3 दिन के थे, और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। करंट के जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं हमारे साथ। सो आप लोग अपना बस यूं ही सपोर्ट बनाए रखिए, कंटिन्यू करें वीडियो को, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉक अबाउट टीचिंग एग्जाम, एंड कीप वॉचिंग।